भाई आज किन मुद्दों को लेकर आप यहाँ न्यायालय का एक बड़ा फैसला आया और उस फैसले से ओबीसी एससी क्योंकि आज़ादी के बाद बाबा साहब ने जो फैसला लिया, संविधान बनाया, एक विशेष रूप से इनको आरक्षण की व्यवस्था दी गई। आज इस वर्गीकरण से कहीं न कहीं उनके ऊपर सारा नाथुपा एक तरह से करने का काम है। बहुत लोग हताश हैं, निराश हैं। हम सब बैठे हैं, हमने भारत बंद का जो आह्वान हुआ है, समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन के लोगों ने फैसला किया है कि इस आंदोलन को हम चलाएं। और हम लोग जो बैठे हैं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, ये हम लोग समाजवादी पार्टी चाहती है कि सत्र बुलाकर लोकसभा में इस पर विचार किया जाए, इस फैसले को वापस कराया जाए। पिछड़े दलित व्यक्ति प्रधान बसपा जिलाध्यक्ष चंद्रपत चंदौली, किस चीज के लिए क्या मांगे? आरक्षण में वर्गीकरण बंद करने के लिए, भाई से भाई को लड़ाने के बंद करने के लिए, जाति में बंटवारा बंद करने के लिए, भारतीय संविधान की रक्षा करने के लिए। बाबा साहब इस देश ही नहीं, लोग कहते हैं विश्व की महाशक्ति, लोगों ने कहा, अमेरिका जैसे देशों ने कहा सिंबल ऑफ नॉलेज, जब दुनिया के बड़े विद्वान ने जब संविधान में बना के सबको हर अधिकार दिए हैं, तो आज भी शर्म लगती कुछ मूर्ख लोग हैं जो भारतीय संविधान से खिलवाड़ करते हैं। तो यह संविधान से खिलवाड़ बंद नहीं होगा, और भारतीय संविधान इतना बौना नहीं और जजों के हाथ का यह खिलौना नहीं। तो इसलिए आज बहुजन समाज पार्टी के नेतृत्व में ये विशाल धरना प्रदर्शन करने का काम बहुजन समाज पार्टी कर रही है, और ये लड़ाई आगे तक जाएगी। और ये संविधान से छेड़छाड़ बहुजन समाज पार्टी नहीं बर्दाश्त करेगी। जो ये जाति जाति में एससी एसटी में बंटवारा किया गया, इसको बंद करें, नहीं तो ये आंदोलन चल रहा है और फिर आगे जैसा बहुजन समाज पार्टी के नेता का निर्देश होगा आगे चलता रहेगा।